अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाही। अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ नाज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक वेज पराठा। ना तो आटा गूंदने की झंझट और ना ही बेलने की, और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है एक वेज पराठा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं एक वेज पराठा। एक वेज पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ कुछ वेजिटेबल ली। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं, ये बहुत क्रिस्पी बनता है। वन अनियन लिए, इसे इस तरह चॉप कर लिया। वन गाजर, गाजरों को भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। दो हरी मिर्च लिए, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ शिमला मिर्च लेके इस तरह इसे चॉप कर लिया है। एक टमाटर, टमाटरों को भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया और सारे बीजे रिमूव कर दिए। दो अंडे लिए, 1.5 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहें तो आटे में भी बना सकते हैं। ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप इसे झटपट बनाकर घर वालों को सर्व कर सकते हैं। ना ही आपको आटा गूंदना है और ना ही आपको बेलने की झंझट। फटाफट से बन जाते हैं ये एक वेजिटेबल पराठे। हाफ स्पून नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, सारी वेजिटेबल चॉप की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। अंडे भी ऐड कर देंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें पतला बेटर बनाना है, इसका पतला तैयार करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी बेटर हमारा ठीक है, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमें इस बेटर को तैयार कर लेना है। बेटर को पतला रखना है, बहुत ठीक नहीं रखना है। इससे बहुत अच्छे पतले पतले क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होते हैं और झटपट से बन जाते हैं। अच्छी तरह से हम फेंट के 5 मिनट के लिए बेटर को रख देंगे। एक पेन ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह से पेन में ऑयल लगा देंगे और हम 2 चम्मच बेटर ऐड कर देंगे और बेटर को अच्छी तरह से पेन में फैला लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, 1 से 1.5 मिनट हम होने देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे हमें नहीं बनाना है। बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे रेडी होते हैं। अब एक तरफ हम ब्रश से ऑयल लगा लेंगे। अब इसे टर्न कर देंगे पराठे को। एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, यहाँ पर भी हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से सीख जाए। अब इसे भी टर्न कर देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, सीख चुका है पराठा। पराठों को हम निकाल लेंगे। अब दूसरे पराठे भी हम इसी तरह बना लेंगे। बस हमें 2 चम्मच बेटर ऐड करना है और पेन में अच्छी तरह से बेटर को फैला लेंगे। इसे भी हमें 1 से 1.5 मिनट तक रहने देना है। फिर एक साइड हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और फटाफट बन जाते हैं। अब इसे भी टर्न कर देंगे। इसी तरह हम सारे पराठों को हम फटाफट से बना लेंगे। आप इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये पराठा भी रेडी हो चुका है, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, बनके तैयार है गर्मा गर्म एक वेज पराठा। आप इसे टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी और गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। शाही को और नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।